देखेंगे क्या? यदि तत्वों के परमाणु की संख्या समीकरण के दोनों ओर अलग अलग हो तो ठीक है, अगर क्या हो रहा है दोनों क्या हो अलग अलग हो तो कैसे करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि यहाँ पास क्या है, H2O है, H2O मतलब होता है पानी। अब यहाँ पास आपका क्या है, H2 है, और यहाँ पास क्या है आपका O2 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पास हमारे पास क्या क्या है, पहले लिख देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, H मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, 2 है। यहाँ पास अगर O को देखें तो हमारे पास क्या रहता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 1 है ना। अब वही चीज़ हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड देखते हैं। यहाँ पास हम देखते हैं हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, 2 है, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 2 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पास ऑक्सीजन क्या है, कम है, और यहाँ पास क्या है, ज़्यादा है। हमने क्या देखा था, दोनों बराबर होना चाहिए। अब देखिए आप अलग अलग है तो इसको हम कैसे क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं केमिकल बैलेंस। दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो सबसे पहला तो हमारा ये स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हम कर क्या सकते हैं, हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन क्या है हमारा, 1 कम है, तो उसमें 2 डाल देते हैं। कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पास अगर हम क्या कर रहे हैं, 2 डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पास देखते हैं कि क्या हो रहा है, अगर हम ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, 2 डाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो हम देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर ये इस तरीके से लिखाया गया है, इसका मतलब ये है कि ठीक है, यहाँ पास ये जो है आपका 2 है वो H के लिए भी है, आपका क्या है ऑक्सीजन के लिए भी है। मतलब यहाँ पास कितने हैं आपके, हाइड्रोजन 2 ठोक है, ऑक्सीजन भी 2 ठोक है, क्योंकि यहाँ पास क्या हो गया है आपका, 2 लिखाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपको इसको और इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पास आपका हाइड्रोजन कितना हो गया, अब यहाँ पास 4 हो गया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जब अगर सामने पे लिखाया है तो वो जितने भी परमाणु हैं उसके लिए होते हैं, 2 आपका हाइड्रोजन भी रहेगा है ना, ऑक्सीजन के लिए भी रहेगा। जैसे यहाँ पर मैं लिखूँगी 2HCl, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन है और 2 ठो क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पास क्या हो गया आपका, 2 आ गया है, इसका मतलब यहाँ पास कुछ नहीं है। तो ये 2 किसके लिए है, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, दोनों को गुणित कर देते हैं, जिससे हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 में आ जाएगा, क्लियर। फिर यहाँ पास हम देखेंगे कि कितना हमारे पास हाइड्रोजन है। तो ऐसे कंडीशन में हमारे पास हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है, ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। अगर वहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी भी हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन हमारे पास ज़्यादा हो जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, सिंपल सा हम यूज़ करेंगे क्या, इसको हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हम किसको चेंज कर देंगे, इधर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, चेंज करने के लिए सिंपल सा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर 4 हो गया है ना। तो अब हम करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना है हमारे पास, जितना था उतना ही है 4, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, 2 का। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि हाइड्रोजन हमारे पास कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है, ऑक्सीजन हमारे पास कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि क्या हो गया आखिरी में, क्या हो गया, जितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन था लेफ्ट हैंड साइड में, उतना ही क्या हो जा रहा है हमारा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है राइट हैंड साइड में। तो हम देख सकते हैं कि अगर हमको अलग अलग भी दिया गया है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें बैलेंस कर सकते हैं, है ना। उसमें क्या करेंगे, संख्या को आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर दोनों को हम क्या कर सकते हैं, समान रूप से बांट सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर है, ठीक है। इसलिए लिखा गया है कि समीकरण संतुलित है, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने का सरल एवं संक्षिप्त तरीका रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, समीकरण को संतुलित करता है रासायनिक अभिक्रिया से, तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका समीकरण कहलाता है। अभिक्रिया को परिस्थिति सहित इस प्रकार लिखते हैं, बाय चांस आपको क्या है, परिस्थिति को दर्शाना है तो आप क्या लिख लेंगे, सिंपल सा है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा था 2H2O है ना, यहाँ पर क्या रहेगा, तीर रहेगा, यहाँ पर क्या था, H2 plus O2
यहाँ पास क्या हमने किया था, विद्युत का अपघटन, क्या किया है, विद्युत का अपघटन, तो आप इसको ऊपर विद्युत का अपघटन करके यहाँ पास लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ये आपका तीर के ऊपर और नीचे आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि कौन सा स्थिति आपने किया है, विद्युत का अपघटन किया है या सूर्य का संश्लेषण हुआ है या फिर क्लोरोफिल इसमें यूज हुआ है, इस प्रकार से आप अलग अलग सिचुएशन परिस्थितियां यहाँ पर लिख सकते हैं। आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रासायनिक समीकरण से हमें निम्न जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो हमने रासायनिक क्या किया, समीकरण किया, तो उससे हमको क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले क्या है, अभिक्रियाओं में कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं तथा प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन से पदार्थ ने क्या लिया है, भाग लिया है, और हमको लास्ट में क्या प्राप्त हुआ है, उसकी जानकारी हमको मिलती है। अभिकारकों की कितने अणु या परमाणु अभिक्रियाओं करके उत्पादों के कितने अणु और परमाणु बनाते हैं, ठीक है, कितने अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने ज़्यादा हमको उनसे मिल रहे हैं, वो चीज़ें हमको जानकारी मिलती है। फिर आता है अभिक्रिया किन परिस्थितियों में होती है ना, विद्युत अपघटन हो रहा है, सूर्य संश्लेषण हो रहा है, ये सारी चीज़ें, या गर्म कर रहे हैं, ये सारे परिस्थितियों के बारे में हम जानते हैं। तो तीन चीज़ें जानेंगे, कौन कौन सा पदार्थ क्या हो रहा है, हम उससे अभिक्रिया कर रहे हैं और हमको आगे में क्या प्राप्त हो रहा है, फिर कितने अणु क्या हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अभिकारक कर रहे हैं, और कितने उत्पादन हमको मिल रहे हैं, परिस्थितियों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। क्लियर, इतना यहाँ पर ये चैप्टर आपका होता है कंप्लीट। यहाँ पर कुछ प्रश्न है जिसे हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित पदार्थों की परमाणुकता क्या है, ठीक है, ये क्या है, परमाणुकता क्या है होगी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, O3 है, P4 है, SH है, Br2 है। तो हमने क्या देखा था कि ये क्या है, अणु हैं, सारे क्या है आपके अणु हैं, तो क्या रहता है, जितने भी परमाणु हैं उसको हम क्या करते हैं, पदांक में लिखते हैं। तो ऑक्सीजन का कितना होगा, 3 हो जाएगा, फॉस्फोरस का कितना होगा, 4 हो जाएगा, सल्फर का कितना होगा, 8, और ब्रोमिन का कितना हो जाएगा, 2। तो इसके परमाणुकता कुछ इस प्रकार से होंगे, ठीक है। अणु सूत्र किसे कहते हैं, ठीक है, क्या होता है आपका, जो अणु है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं, जैसे कि Br हो गया, ठीक है, उसमें क्या है, जितने परमाणु क्या है उस पर मिले हुए हैं उसको हम क्या करते हैं, उसके पदांक में लिखते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु सूत्र बोलते हैं, जिससे हमको पता चल जाए कि एक अणु में कितने क्या बोलते हैं, परमाणु मिले हुए हैं। फिर यहाँ पर तीसरा क्या बोल रहा है, रासायनिक समीकरण से क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे हमने पता चला कि क्या, पहला क्या था कि कितने पदार्थ उसमें शामिल हो रहे हैं, और लास्ट में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, कितने क्या बोलते हैं परमाणु पहले पार्टिसिपेट कर रहे थे। जैसे यहाँ पर 2 परमाणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसका क्या उत्पादन में क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। अगर 4 कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। कौन से परिस्थितियों में हो रहा है, गर्म कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं आपका, सूर्य संश्लेषण कर रहे हैं। तो हमको परिस्थितियाँ भी पता चलती कि कौन से परिस्थितियों में हमने रासायनिक अभिक्रिया को करवाया है। क्लियर, आई होप कि आपको इसमें कोई सी भी डाउट नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा है, ठीक है, तो क्या क्या सीखा है, चलिए वन बाय वन हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, वे पदार्थ जिनके अवयव को किसी भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, मिश्रण कहलाता है ना, जिसको हम क्या करेंगे, भौतिक गतिविधियों से, जैसे कि बिनना हो गया, छानना हो गया, उसे अलग अलग कर दे तो वो मिश्रण कहलाता है। फिर क्या है, शुद्ध पदार्थ जिनमें एक ही अवयव पाया जाता है, तत्व कहलाता है। शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे, जिसमें जो एक ही अवयव से बना होगा उसे हम क्या करेंगे, शुद्ध पदार्थ कहेंगे, ठीक है। सेकंड क्या है, जो दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात से मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या रहेगा, दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित, जैसे कि यहाँ पास क्या है, H2O, तो H कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1, तो इसका निश्चित अनुपात हो गया, उसको हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। इसके अवयव को रासायनिक विधियों से अलग किया जा सकता है, हम इसका क्या करेंगे, अगर विद्युत अपघटन करेंगे तो हमको ऑक्सीजन अलग मिल जाएगा, और क्या मिलता है, हाइड्रोजन अलग मिल जाएगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि रासायनिक विधि से हम उसको अलग कर सकते हैं। किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को परमाणु अथवा अणु कहते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई का अगर पदार्थ की बात करते हैं, तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या रहेगी आपकी, परमाणु कहलाएगी, या तो फिर क्या कहलाएगी आपकी, अणु कहलाएगी। क्लियर, आई होप कि आपको इसमें कुछ भी डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला है, आकर्षक बल अधिक होता है ठोस पदार्थ में, क्योंकि कुल
सॉरी कण जो रहेंगे उसमें एक दूसरे के निकट व्यवस्थित एवं निश्चित क्रम में होते हैं। ठीक है, क्यों हम बोलेंगे कि आकर्षक बल आपका ठोस में सबसे ज़्यादा रहता है? क्योंकि अगर हम उसकी व्यवस्था देखते हैं तो वो एक दूसरे से इतने निकट होते हैं कि उसका जो आकर्षक बल रहता है वो सबसे ज़्यादा अधिक होता है। ठीक है, द्रव में पदार्थ के कण एक निश्चित स्थान पर नहीं रहते हैं, प्रत्येक कण पूरे द्रव में कहीं भी गति कर सकते हैं, कणों के बीच आकर्षक बल की अपेक्षा कम होते हैं। ठीक है, अगर हम देख रहे हैं क्या कि सबसे पहले अगर हम द्रव की बात करते हैं वो व्यवस्थित नहीं रहते हैं, एक दूसरे से इतने दूर रहते हैं, दूर होने की वजह से क्या होते हैं जिसकी आकर्षक बल है ठोस से कंपेयर करने से वो क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, और बीच में इतने गेप हैं कि वो इधर उधर फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गैस में पदार्थ के कण बहुत दूर दूर रहते हैं, कणों के बीच आकर्षक बल ठोस तथा द्रव की अपेक्षा, ठीक है, कम होता है। अगर हम क्या कर रहे हैं, गैस की बात कर रहे हैं, तो जैसे हमने पहले ही पढ़ा सबसे ज़्यादा आकर्षक बल आपको किस में देखने को मिलेगा, ठोस में, क्योंकि वो ज़्यादा व्यवस्थित है। फिर उसमें द्रव में, क्योंकि उसमें कम व्यवस्थित रहता है। फिर उसके आपको किस में मिलेगा, गैस में व्यवस्थित रहेगा, क्योंकि उनके पास इतनी जगह होती है कि वो क्या स्वतंत्र पूर्वक इधर उधर गति करते रहते हैं, गति करने की वजह से उनका जो आकर्षक बल रहता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में क्या बोला गया है, तत्व और यौगिक को संकेतों एवं सूत्रों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है ना। तत्व को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जैसे आयरन लिखना है तो Fe, क्लोरीन लिखना है तो Cl, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, तत्व को हम लिख सकते हैं। यौगिक को भी हम क्या कर सकते हैं, NaCl है ना, ये भी है H2O, CO2, ये सारे क्या है आपके यौगिक है, तो ये भी हम क्या कर सकते हैं, सूत्र द्वारा हम लिख सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है, तत्वों के अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर को देवलिपि लिखकर उसका संकेत लिखा जाता है, यदि आवश्यक हो तो प्रथम अक्षर के साथ आगे अक्षर लघु लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था क्या कि हम क्या कर रहे हैं, कार्बन लिख रहे हैं, तो ठीक है कार्बन सी कैपिटल हो गया, लघु क्या बोलते हैं दीर्घ हो गया, और अंग्रेजी का अक्षर हो गया, और क्या हो गया, बड़ा हो गया, दीर्घ हो गया। लेकिन अगर हम वही बोले सी से क्लोरीन भी आता है तो उसमें हम क्या ले रहे हैं, सी एल ले रहे हैं, ये अक्षर क्या आपका बड़ा है, उसके आगे वाला अक्षर लेते हैं जो कि लघु है, और क्या है बोलते हैं वो क्लोरीन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, किसी भी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। जैसे कि यहाँ पास क्या था, Br2 था, तो जिसमें क्या है मतलब कि ब्रोमीन जो अणु है उसमें दो परमाणु मिले हुए हैं। I2 अगर हम लिख रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आयोडीन में कितने हैं आपके, दो परमाणु मिलके आपके अणु बने हुए हैं। एक या एक से अधिक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोला है, एक या एक से अधिक पदार्थ क्या करेंगे, एक दूसरे में रासायनिक क्रिया करेंगे, और रासायनिक क्रिया करेंगे तब एक न्यू पदार्थ का निर्माण होता है, और उसी परमाणु को हम क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, जब रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से लिखा जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे कि हमने देखा था, ये भी आपका क्या है, सूत्र है, ये हमने क्या कर दिया, समीकरण करके लिख दिया, इससे हम क्या कह सकते हैं, रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। ठीक है, किसी रासायनिक समीकरण का संतुलन दर्शाता है कि किसी भी अभिक्रिया में परमाणु ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक आयरन है, एक सल्फर है, यहाँ पर एक आयरन है, एक सल्फर है, मतलब जितने पहले थे उतने ही क्या है आपके बाद में भी है। इसका मतलब ना हम उसको बना सकते हैं, ना हम उसको क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सीखा समाप्त होता है। यहाँ पर कुछ अभ्यास है जिसे हम क्या करेंगे, अच्छे से करेंगे, जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले क्या है आपके तत्वों के नाम दिए हुए संकेतों की सही जोड़ी हमको मिलानी है। तो सबसे पहले है कार्बन, कार्बन का क्या होगा, सी है ना। फिर आता है सल्फर, सल्फर को किससे दर्शाते हैं आपका, एस से। फिर आता है आपका क्लोरीन, क्लोरीन को किससे दर्शाते हैं हम, सी एल से। ठीक है, फिर आता है आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को किससे दर्शाते हैं हम, एम जी से। फिर आता है हमारा जिंक, जिंक को हम किससे दर्शाते हैं आपका, ZN से। फिर आता है आपका मैग्नीज है ना, मैग्नीज को किससे दर्शाते हैं हम, ये होगा आपका 6 और जिंक आपका हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जिंक क्या रहता है, ZN रहता है,
मैग्नीज क्या रहता है, Mn रहता है। यहाँ पर सबको ध्यान देखना है कि मैग्नीजियम है ना, मैग्नीजियम के लिए हम Mg यूज़ करते हैं और मैग्नीज के लिए हम Ns Mn को यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आता है सोडियम, तो सोडियम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, N यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आता है गोल्ड, गोल्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, Au यूज़ करते हैं। फिर आता है आयरन, आयरन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आपका Fe यूज़ करते हैं। फिर आता है लास्ट में पोटेशियम, पोटेशियम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, के यूज़ करते हैं, ठीक है। आप न्यू चीज़ें पढ़ रहे हैं, आपके लिए मे भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, पर अगर आप ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसके आपको संकेत को आप अच्छे से याद कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पास तत्वों के नाम दे दिए हैं, उसकी परमुखता को हमको देखना है। तो आयोडीन में कितना होता है, हमने क्या देखा था, आयोडीन में कितने होते हैं, दो होते हैं, तो सही क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा टू। सल्फर, सल्फर का हमने देखा था कितने होते हैं गंधक में, आठ होते हैं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, आठ हो जाएगा। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस में हमने देखा था कितना, चार, तो कितना हो जाएगा, चार। बचा सोडियम, सोडियम का कितना होता है, एक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक। तो ये कुछ इस प्रकार से होंगे, मतलब आयोडीन को आप कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से, सल्फर को कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से, सॉरी, फॉस्फोरस को कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से, सोडियम को कैसे लिखेंगे, इस प्रकार से, ठीक है, कुछ आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट आपका क्या है, खाली स्थान भरिए। तो धातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। हमने देखा था कि मोस्टली आपका जो धातु रहता है वो क्या रहता है, ठोस में रहता है। तो ऐसा कौन सा आपका धातु है जो क्या रहता है, द्रव अवस्था में रहता है, तो वो रहता है आपका पारा, ठीक है। जो पारा है वो आपका सामान्य अवस्था में, द्रव अवस्था में पाया जाएगा, जो कि धातु है। तत्व केवल एक ही प्रकार के से मिलकर बनते हैं, क्या प्रकार से मिलके बनते हैं, हमने पढ़ा था अवयव, है ना, ये क्या है आपका, एक ही प्रकार के अवयव से मिलके बना हुआ है। फिर आता है वायु एक क्या है, यौगिक है, तत्व है, या फिर मिश्रण है। तो हमने क्या देखा था कि वायु हमारा एक क्या है, मिश्रण है, है ना। तो यहाँ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। फिर आ जाएगा पदार्थ की ब्लैंक अवस्था को आसानी से दबाया जा सकता है। अब हमने क्या देखा था, तीन अवस्था देखी थी, पहले देखा था ठोस, द्रव्य और गैसियस, है ना। तो कौन सा अवस्था ऐसा है जिसको आप आराम से दबा सकते हो, आप द्रव को भी दबा सकते हो, आप गैस को भी दबा सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा आसानी से कौन सा दबेगा आपका, गैस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सही उत्तर होगा गैस, गैस अवस्था को आप आराम से दबा सकते हैं। यहाँ पर आपका अभ्यास भी क्या हो गया है, सॉरी, एक और आपका बचा हुआ है, ठीक है। पहले क्या है आपका, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, यहाँ पर हमको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, असंतुलित है उसको संतुलित करना है। तो सबसे पहले क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे, है ना। यहाँ पर देखते हैं मैग्नीज कितना है, वन है, ऑक्सीजन कितना है हमारे पास, दो है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर टू लिख देते हैं, क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, टू लिख देंगे। तो अब देखिए हमारे पास क्या हो जा रहा है, हमारे पास ऑक्सीजन तो यहाँ पास दो है, यहाँ पास भी क्या हो गया, दो हो गया, है ना। ऑक्सीजन भी हमारे पास यहाँ पास क्या हो गया, दो हो गया, लेकिन मैग्नीशियम भी क्या हो गया, यहाँ पास दो हो गया, और यहाँ पास हमारे पास क्या है, एक ही है। तो उसको सही करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पास टू कर देते हैं, ठीक है। टू करने से यहाँ पास क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पास मैग्नीशियम भी हमारे पास दो हो जाएगा और हमारे पास ऑक्सीजन भी दो हो जाएगा। तो जितना हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में था उतना ही हमारे पास राइट हैंड साइड में हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण सही हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास N2 क्या है, N दो ठोक है, हमारे पास H2 भी दो ठोक है। तो यहाँ पास हम क्या कर देंगे, यहाँ पास भी हम क्या करेंगे, टू कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, थ्री कर देंगे, क्या कर देंगे, थ्री कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पर थ्री कर रहे हैं तो देखते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन टू है, हाइड्रोजन टू है, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या, हमारे पास नाइट्रोजन वन है, हाइड्रोजन हमारे पास थ्री है, ठीक है। तो उसको संतुलित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टू कर दे रहे हैं ऐड, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टू कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन कितना हो गया हमारे पास, अब यहाँ पास दो हो गया, और हाइड्रोजन कितना हो गया, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, छः हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पास देखते हैं, तो यहाँ पास हमारे पास नाइट्रोजन तो है,
तो ये वाला हमारे पास नाइट्रोजन तो पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे पास क्या है, 6 है। तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पास 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो नाइट्रोजन भी हमारे पास 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन भी हमारे पास 6 हो जाएगा, नाइट्रोजन भी यहाँ पास 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं। फिर लास्ट आते हैं, ठीक है। तो लास्ट में क्या हमारे पास SO3 यहाँ पास दिया हुआ है, मतलब कि हमारे पास S1 है, ऑक्सीजन हमारे पास 3 है। यहाँ पास हमारे पास क्या है, सल्फर 1 है, यहाँ पास हम देख रहे हैं ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पास हमारे पास ऑक्सीजन 2 है। तो कितना ऑक्सीजन हो गया हमारे पास, टोटल 4 ऑक्सीजन हो गया। तो 4 ऑक्सीजन है तो हमारे पास यहाँ पास 3 है, यहाँ पास क्या है हमारे पास 4 है। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, 2 यहाँ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पास क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब हमारे पास सल्फर कितना हो गया, 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो हमारे पास हो गया, 6 हो गया। अब हम यहाँ पास देख रहे हैं सल्फर क्या करें, सल्फर 2 है तो एक काम करते हैं, 2 कर देते हैं। तो 2 यहाँ पास करेंगे तो हमारे पास सल्फर भी 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पास 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पास 2 और कर देते हैं तो कितना हो गया, 4, और 4 में यहाँ पास हमारे पास 2 ऑलरेडी है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पास हमारे पास 6 हो जाएगा। तो यहाँ पास भी ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पास भी ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पास सल्फर 2 है, यहाँ पास भी सल्फर 2 है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसे भी क्या बोलते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो यहाँ पास हमारा चैप्टर समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।